I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. ठीक से नहीं चल रहा है यशपाल. कल भी तुम पर्चे बांटे बिना आ गए. दो बार तो गया था. पूरी कोशिश करी थी लेकिन वो थानेदार बड़ा बदमाश है यार. ओए पुलिस वालों का ध्यान मैं बटा दूंगा. जयगोपाल उस थानेदार की ना सारी भैंसे खोल देंगे रात को. पुलिस वाले भैंसे ही ढूंढते रह जाएंगे. तो फिर पर्चे बढ़ जाएंगे. ठीक है, दो दिन बाद मैजिक लैंटर्न शो भी कर लेंगे. तैयारी रखना. अरे भगत, पंडित जी की चिट्ठी पूरी हो गई है. और कुछ जोड़ना है इसमें? लिख दो, इस बार उनका कोड है चार्ली चैपलिन. बेड़ा गर्क. जयदेव फिर गिर गया. तुझे मना किया था ना, है? फिर क्यों दोहरा था मैस? देख कितना दूध गिरा दिया. बोले यार, अब बापू जी समझेंगे सारा दूध हम पी गए. छाड़ यार, तुझे दूध की पड़ी हुई है. मेरी माँ शोका समझती है मैं पुलिस की लाठियां खा रहा हूँ, क्रांति कर रहा हूँ. उसे पता चल जाए भैंस की लात खा रहा हूँ तो मुझे लात मार के चली जाएगी. कुड़िया ओए किथे? ओए माना वाली. कौन माना वाली? ओए भगत की होड़े वाली. ओए कौन सी यार, उसमें तो कई है. ओए वो जो इधर नहीं देख रही है वही है. मैं क्या परजाई जी. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल. सत श्री अकाल जी. तू चल ना, तू चल. सी आ रही है जी. हम यहाँ मिलने में आए थे और चलते चलते गला सूख गया, इसलिए हमने सोचा कि. अच्छा सोचा जी, अच्छा सोचा. अपनी डेरी, अपने भगत की डेरी है. आओ दूध शुद्ध पी लो. आ जाओ जी, आप लोग भी आ जाओ. बैठी, आराम से बैठी. अरे जटिया, प्यास तो बहाना है. तेरे से मिलने आई है. ओ बुला के बिठा तो सही. सुखदेव रुक. ओ बुलाओ नू. ओ ठहर. ओ बुला ले, बुला ले. आओ जी, आओ जी, आओ जी. अजी की लावा? मक्खन लावा, दूध लावा? बंगाल से कोई नहीं आया? उनका कहना है कि वो हमारे विचारों से सहमत नहीं है. अरे इसलिए तो ये मीटिंग बुलाई है कि सब साथ साथ बैठकर एक दूसरे के विचार और तरीके समझ लें. बिजॉय, अब एकजुट होकर काम करने का समय आ गया है. मुझसे जितना हो सका मैंने समझाया. ओए सरदार भगत सिंह, की हाल है? ओए बड़ी जल्दी रिहा हो गया डेरी से. ओए एक साल हो गया तेरी बड़ी जल्दी लिया बुट्टा ले. और अगर दुनीचंद जी की दलील से केस सॉल्व नहीं होता तो 60,000 के चक्कर में जिंदगी भर लगे रहते. गाय भैंसे धो और क्रांति ला. क्रांति का तो पता नहीं लेकिन मेरी बेबे जरूर खुश हो जाती. ओए बेबे या मानना वाली भी. ओए 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 यार, मैं मजा कर रहा यार. ओए छोड़ छोड़. ओए 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 नहीं, देख मैं भुट्टा मार दूंगा, भुट्टा मार दूंगा. ओए पागल हो गया सरदार यार, लग जाएगी. ओए तेरी तो कैसे जाएगा. ओए 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 सरदार. ओए ओए नहीं. ओए ओ यार ये टूटा हुआ है यार, थोड़ी देना ना. कोई है? बुआ खोल, बुआ छोड़. यशपाल रसगुल्ले लाने गए थे, ये क्या उठा लाए? यहाँ का पता पूछ रहा था. कह रहा था पंडित जी ने भेजा है. कोड नहीं बताया तो उठा लाए इसे. खोलो. ओए सीधा बैठ. जाइला जाइला. कौन हो तुम? देखिए भाई साहब, मुझे चंद्रशेखर आजाद जी ने भेजा है मोजांग हाउस पहुंचने के लिए. पता ही पूछ रहा था कि पहुंच गए. कहाँ? ओ यही है मोजांग हाउस. अच्छा कोड बता. कोड 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 भूल गया. नाम बता. किसका? ओए अपना नाम बता. मेरा नाम बता दो ना. हरी शिवराम राजगुरु. नहीं शिवराम हरी राजगुरु ऐसे कुछ है. चल काम बता. फिर से नाम बताऊं? ओए काम बता. देखिए मैं भी आपके ग्रुप का नया मेंबर हूँ, एचआरए का. ये आजाद जी ने ये चिट्ठी भेजी है भगत सिंह के नाम. भगत सिंह कौन है? ला इधर ला. ये चिट्ठी तो भगत सिंह को ही दूंगा मैं. ओए चिट्ठी इधर ला, चैपलिन की औलाद. चार्ली चैपलिन. अरे यही यही तो कोड है. हाँ चार्ली चैपलिन यही कोड है. थैंक यू आभारी है. धन्यवाद. मैं ही भगत सिंह हूँ. आप भगत सिंह हैं? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर. पंडित जी भी बहुत तारीफ करते हैं आपकी. सुना है कि आपने बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई है कोटला में. सारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े क्रांतिकारी इकट्ठा होने वाले हैं. मैं आया हूँ मराठा देश से, वीर मराठा शिवाजी का बच्चा. एक्सपर्ट शूटर हूँ, एकदम निडर. लेकिन आज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई. हाँ लेकिन बस इतना ही कि आप ही के साथ जीऊंगा और आप ही के साथ मरूंगा. पार्टी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ. पार्टी का मकसद जानते हो? आजादी. आजादी हमारा मकसद नहीं है. कि भूल चुकी क्या? कि बोले ये क्या कह रहा भगत? सिर्फ आजादी हमारा मकसद नहीं है. आजादी का मतलब क्या है? कि हुकूमत अंग्रेजों के हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए. क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? उन्हें उनका सही हक मिलेगा? नहीं, आजादी सिर्फ पहला कदम है कॉमरेड्स. मकसद है वतन बनाना, एक ऐसा वतन जहां हर तबके के लोगों को बराबरी से जीने का हक मिले,
जहां मजहब के नाम पर समाज में बंटवारा ना हो, एक ऐसा वतन जो इंसान का इंसान पे जुल्म बर्दाश्त ना करे। ये आदर्शवादी कल्पना है भगत, तुम असंभव बात कर रहे हो। मुश्किल है फोनीदा, असंभव नहीं। हिंदुस्तान जहां इतने सारे धर्म, जातियां, भाषाएं, कल्चर्स हैं, उसे एक साथ जोड़े रखना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस बात को आज नहीं समझेंगे और इस मसले को लेकर आज से संघर्ष नहीं करेंगे, तो हिंदुस्तान कल एक आजाद मुल्क तो होगा, लेकिन एक भ्रष्ट, शोषक और सांप्रदायिक समाज बनकर रह जाएगा। कॉमरेड्स, हम सबको मिलकर बनाना है एक समाजवादी वतन, और यह हमारी पार्टी के नाम में साफ नजर आना चाहिए। इसलिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाना है। आजाद जी ने यह खबर भेजी है कि यहां जो फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? तो कॉमरेड्स, आज से हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते हैं। हमारा पहला हमला होगा साइमन कमीशन पर। इस मोर्चे में हम लाला लाजपत राय जी के साथ खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन Get him! Go back! Go back! Simon! Lalaji! Lalaji! Simon! Go back! Go! सारे देश के मुंह पर चांटा है लाला जी की हत्या। दो 22-22 साल के पुलिस वाले सरेआम पीट पीट कर जान ले लेते हैं उनकी, और कोई कुछ नहीं कर रहा। कर क्यों नहीं रहे? कर रहे हैं ना। कांग्रेस निंदा कर रही है, हिंदू महापरिषद कठोर बकवास बकवास। सच तो ये है कि सबके सब नपुंसक की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। बस सारा देश भी यही महसूस कर रहा है पंडित जी। इसका जवाब हम देंगे। स्कॉट की हत्या करनी होगी। बिल्कुल सही, सिर्फ यही तरीका है इस सरकार को सबक सिखाने का। इनके दिलों में खौफ पैदा करना जरूरी है, और इसी से खौफ पैदा होगा। दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे। हत्या? क्या हम खून करेंगे? देखो जयगोपाल, हम इंसान की जिंदगी की कीमत को समझते हैं। किसी मासूम की जान लेने से पहले हम अपनी जान देना पसंद करेंगे, लेकिन यह पुलिस वाला कोई मासूम इंसान नहीं, एक जालिम हुकूमत का नुमाइंदा है। इसकी हरकत से उस हुकूमत का वैश्यपन झलकता है। इसे मारकर हम उस हुकूमत पर वार करेंगे। तो फिर हो गया, मैं अभी पुलिस हेडक्वार्टर में घुस के उस साले को उड़ा देता हूं। राजगुरु, गरम से गरम काम करते वक्त दिलो दिमाग को ठंडा रखा करो। इस एक्शन में कौन कौन आना चाहता है सोच लो। कल अगर पकड़े गए तो अंजाम एक ही है, फांसी। क्योंकि मैं खुद एक्शन में रहूंगा, इसलिए प्लान सुखदेव का होगा। ये रहा पुलिस हेडक्वार्टर्स और उसके आसपास के इलाके का नक्शा। भगत सिंह और राजगुरु आप अटैक करेंगे। पहल भगत की होगी,
पंडित जी आप इन्हें कवर देंगे। जयगोपाल स्कॉट पर नजर रखना शुरू करो। वारदात के दिन उसे पहचानना और इशारा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक्शन का दिन होगा 17 दिसंबर। सॉन्डर्स कहता हूं लौट जाओ। मैं किसी हिंदुस्तानी का खून बहाना नहीं चाहता। लौट जाओ। An officer of the crown has been murdered in broad daylight. You really don't have a clue who killed him. We have 3 witnesses, sir. Then get me the suspects, you moron. Comb the town, block all exits. Highway checkpoints, bus stands, rail stations. Raid hostels, boarding houses. And if anybody runs, shoot the bastard. कुछ पता चलिया है? क्या ये खबर सच है कि उस अफसर को मारने वालों में एक सिख लड़का भी था? गोरिया ने चप्पे चप्पे पे पुलिस लगा रखी है, पता नहीं कैसे बच पाएगा। For exclusive classic movies, download Shimaru Me app now.